My name is Rahul Jain. I am from Ludhiana, Punjab. I have done my engineering in electronics and communication. I am 2012 pass out, and I am here in the EBS batch 2013 and 2015. My dream is that there is a like India mein bahut zyada water resources hain, lekin tab bhi bahut zyada scarcity hai water ki. इन नॉट टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग बट इन टर्म्स ऑफ इरीगेशन पर्पजेज. लाइक अभी थोड़ा देर पहले न्यूज़ में आया था कि महाराष्ट्र में नासिक में एक तरह से ड्राउट हो गया था बिकॉज ऑफ द लेस रेनफॉल्स. लेकिन महाराष्ट्र के एक पोर्शन क्या है मुंबई में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हम वो वाला वाटर क्यों ना अलग स्टेट्स में क्यों ना यूज़ करें. लाइक कुछ भी ड्रेनेज सिस्टम उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ. जैसे सम पार्ट्स नदरन पार्ट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल, दे हैव वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स वगैरह होती हैं. वहाँ का वाटर क्यों ना हम अलग स्टेट्स में एज अ किसी भी तरह में यूज़ कर सके. एक मॉडल मेरे दिमाग में क्या आया था, जैसे हमारे जैसे मैं अपनी लोकेलिटी की बात करूँगा लुधियाना में, हमारे वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है. वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम से हम क्या, एक तो प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है जहाँ पे वेस्ट वाटर जाता है, एक तो वो हो गया. एक क्या करें हम, जैसे सपोज ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे एक अलग पाइप बना सकते हैं हम, और एक डिवाइस लगा के जब बारिश होगी तो हम उसको उससे कवर कर देंगे, जितना भी पानी होगा एक अलग ड्रेनेज पाइप के थ्रू एक अलग जगह इकट्ठा हो जाएगा. उस वाटर को हम किसी दूसरे वे में यूज़ कर सकते हैं. मतलब बेसिकली ये कि नॉट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस बट फॉर द इरिगेशन पर्पसेस. कि दूसरी जगह भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, इंडिया में बहुत ज़्यादा जगह रेनफॉल होती है, लेकिन हम उस वाटर का यूज़ नहीं करें, सारा वाटर यूज़लेस हो जाता है. अभी मैंने जैसे इस पर वर्क कर रहा हूँ कि मैं अपना मॉडल किस हिसाब से करूँ. जैसे एक मैंने मॉडल में क्या था, जैसे जो जहाँ पे बड़ी बड़ी वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, जैसे पानी आता है, ट्यूबवेल्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें से हमें पानी हमारे घरों में आता है. तो क्यों ना एक वैसा ही हमें ड्रेनेज ऊपर जाने के लिए बनाए, जो उस बारिश का पानी होगा एक प्रॉपर रिसाइकल करके उसको वैसे ऊपर भेजें और वही हम वापस हाउस होल्ड्स में भेजें. एक तो ये सोल्यूशन हो गया. एक सोल्यूशन क्या हो गया, जैसे सपोज पंजाब का ये एरिया है, मैं पंजाब का स्टेट बात करता हूँ, पंजाब का एरिया, जैसे लुधियाना में अच्छा बारिश होता है, कुछ कुछ जगहों पे अच्छा बारिश होता है, जैसे फिरोजपुर में इतना अच्छा बारिश नहीं होता, तो हम क्यों ना एक ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज बनाएं ताकि जितना भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो पाइप्स के थ्रू, क्योंकि ड्रेनेज प्रॉपर है ही है, तो हमें पाइप्स के थ्रू वो वाटर हम उस जगह पे पहुंचाएं जहाँ पे पानी बारिश कम होती. बिकॉज मेरे को इतना कुछ इस बारे में सर्च कर रहा हूँ, मेरे को जितनी भी नॉलेज है मेरे को वो नेट से आएगी, लेकिन मेरे को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँ. बिकॉज ये मैं इस चीज़ के बारे में 12th से सोच रहा हूँ. फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स आई एम थिंकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, हाउ शुड आई इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट. मैं तब से सोच रहा हूँ इसके बारे में, तो मेरे को करना ही करना है किसी भी तरह से ये. कि पहले मैं सोचूंगा कुछ स्मॉल एरिया पे इंप्लीमेंट करूँ, अगर वहाँ पे मेरा अच्छा मेरे को रिजल्ट मिलता मैं ऑल ओवर इंडिया इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करूँगा. जैसे सबसे पहले जो आपने 3 things बोली, सबसे पहले मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करूँ, क्या क्या मेरी इसमें, मतलब मेरे को मेरे में क्या क्या मेरे इसमें लूप होल्स हैं, मेरे इस प्रोजेक्ट में कैसे मैं उसको ठीक करूँ, सबसे पहले गाइडेंस. सेकेंड वुड आई थिंक वुड बी एक एरिया मिलना चाहिए जहाँ पर मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकूँ किसी भी तरह से. और थर्ड एक प्रॉपर, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा, नो डाउट आई एम एन इंजीनियर, मेरे को थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, लेकिन तभी मेरे को उसके बारे में थोड़ा चाहिए होगा कि अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो मेरा क्या कॉस्ट आएगा, क्या कॉस्ट ऑफ वो सब कुछ उसके बारे में.